भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ आर्य भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के किसी खास खबर पर। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो सहित जिला प्रशासन उपायुक्त फैज अहमद मुमताज, उप विकास आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा आदि कुंडहित प्रखंड के पाला जोड़ी पंचायत अंतर्गत भांगहित गांव पहुंचकर सामुदायिक पुस्तकालय का विधानसभा अध्यक्ष ने विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उपायुक्त महोदय की पहल पर बना पुस्तकालय का उचित लाभ लें। इस पुस्तकालय के छात्र छात्राओं को पढ़ने का एक अवसर मिला है। जिसने किताब के ज्ञान को अर्जित किया है वह लोग आज बड़े हैं। श्री महतो ने कहा कि बांग्ला में एक कहावत है, पूतिगत विदा पर हस्त धन समय पर काम नहीं देता, उसके लिए अर्जित करना पड़ता है। जिसने इसको अर्जित किया है वह लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप डीसी डीडीसी बीडीओ इंजीनियर या डॉक्टर बनना है तो किताबी कीड़ा बनना होगा, तभी आप मंजिल को पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि समय का तकाजा, समय की पहचान को परख कर समय अनुसार विद्या को हासिल कर रही मुकाम तक पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से भी आग्रह किया कि जो मैट्रिक इंटर बीए एमए तक की पढ़ाई कर लिए हैं वह सज्जन पुस्तकालय में अपना किताब दान करें, जो कि गरीब बच्चे पुस्तकालय आकर पठन कर सकेंगे। पढ़ने लिखने का एक माहौल बनाइए, अगर आप लोग कोशिश कीजिए तो पुस्तकालय जिले का सबसे अच्छा पुस्तकालय बनेगा। यहाँ के लोग शिक्षित हैं और समझदार हैं। उन्होंने पुनः अपील करते हुए कहा कि पाठक लोग, आप लोगों के पास जो भी किताबें हैं वह पुस्तकालय में अवश्य दान कीजिए। मौके पर उप विकास आयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि उन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षकों से भी अपील करते हुए कहा है कि पुस्तकालय आकर छात्र छात्राओं को सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट करने के लिए अपना अमूल्य समय देने की बात कही है। और दो बच्चे आगे यहाँ पे स्पीच दिए, मुझे लग रहा है कि ये गांव बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छे से इसका यूज करेगा। बच्चे ऑलरेडी काफी स्मार्ट है और काफी बोल रहे हैं और बाकी जो नहीं आ रहे हैं वो भी आए। हम लोग सारे लोग आप जैसे ही हैं, सर एक जैसे हैं। जब लोग जैसे बोला जाता है कि जो पानी में उतरता है वही तैरना सीखता है, तो कभी भी पब्लिक स्पीकिंग से बोलने से घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। आप लोग सारे बच्चे जो भी मौका मिले उसका यूज करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला लाइब्रेरी काफी अच्छा करेगा और हम लोगों के लिए जिला में बाकी के कंपेरिजन में एक अच्छा मॉडल मिलेगा कि कुलदीप का ये लाइब्रेरी जो है यहाँ एक अच्छा कल्चर डेवलप हुआ है, यहाँ पे एक अच्छा कंपटीशन का पढ़ने लिखने का माहौल डेवलप हुआ है। जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बच्चे काफी एक्साइटेड हैं, कि कमिटी भी काफी एक्साइटेड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और हम लोग जब सुने कि आप अच्छा कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम लोगों ने कुछ प्रयास किया तो वो एक सफल प्रयास रहा। अगर ये ऐसे ही पड़ जाएगा, वापस से बंजर हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा इस चीज का। तो हम लोग की एफर्ट तो हम लोग को अच्छा लगे, अभी नहीं, 5 साल 10 साल बाद ही सही। जब हम लोग सुने कि यहाँ से खूब सारे बच्चे पढ़े लिखे निकल रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, अपने बिजनेस में अपनी रोजगार में अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ बैठते थे, तो हम लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा। स्पीकर सर बहुत मदद की है, बहुत खुश थे इस प्रोजेक्ट को लेकर के और किताबें बहुत सारी उन्होंने डोनेट की हैं। और जैसा आप लोगों ने बताया कि बंगाली बुक्स चाहिए तो हम लोग ये तो कह रहे हैं कि बुक्स भी अगर आप सजेस्ट करेंगे तो हम लोग आपको परचेज करके दिला देंगे, लेकिन वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य इसका यह है कि अब यह आपके हवाले हो गया है, चलाना इसको आप ही को है। तो आप लोग जैसे दुर्गा पूजा में और बाकी फेस्टिवल्स में लाखों के पंडाल लगा देते हैं और फिर वो 2-3-4 दिन का एक त्यौहार होता है, उसी का एक आप समझिए कि थोड़ा सा आप एक कम्युनिटी सपोर्ट के लिए अगर आप लाइब्रेरी को कंट्रीब्यूट करेंगे तो पूरे समाज का, पूरे आपके पंचायत का भला होगा। इस सोच के साथ आगे रहिए, है ना। और इसमें क्योंकि ये आपके हवाले हो गया है तो इसका रख रखाव, साफ सफाई सब आपकी जिम्मेदारी है। कुंडहित प्रखंड के भंगाहित पंचायत के पुराना पंचायत भवन में जो पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ, इस उद्घाटन समारोह में हमारे जिला के डीसी साहब, डीपीसी साहब, पंचायती राज पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट, एसडीओ साहब, इस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी,
हमारे बीच उपस्थित सुनरहित प्रखंड के दोनों जिला परिषद के सदस्य, इस पंचायत के मुखिया जी, प्रमुख साहिबा, समाज सेवी जयसर जी, अफसर जी और यहां उपस्थित इस गांव और पंचायत के तमाम प्रभुजन सबको मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामना, नमस्कार और जोहार। साथी सही मायने में आपके गांव के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि पूरा जिला, पूरा जामताड़ा जिला उठ करके आपके गांव में, आपके आंगन तक पहुंचा है। उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि ग्रामीण परिवेश में लाइब्रेरी का स्थापना करना और स्थापना करने के पीछे और बृहद उद्देश्य है कि गांव के लोगों को भी पढ़ने लिखने में उचित परिवेश मिले, उचित वातावरण मिले, उचित व्यवस्था मिले, उसके लिए इस योजना का शुरुआत हुआ। तो मैं अपने आप में धन्य समझ रहा हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर में जिला प्रशासन की प्रयास से ग्रामीण लेवल में, गांव के स्तर में पैक लाइब्रेरियां बन रहा है। हमारे बेटा बेटी, हमारे साथी बुजुर्ग सारे लोगों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए मैं सही मायने में बहुत खुश हूं। साथ ही साथ मैं आप लोगों के बीच में एक दो बात कहना चाहता हूं। बांग्ला तक आगे कथा हमें बोलना जो पुथिगत विद्या और पर हस्तगत धर्म बोले ना कि समय काजे लागे বলার তাৎপর্য বইয়ে লেখা জিনিস যদি আমি মাথাতে না উঠাই, আমি জ্ঞান যদি অর্জন করতে না পারি বইয়ে যে বিষয়গুলো লেখা আছে, পরীক্ষার সময় বা যে সময় আমার কাজে লাগবে সে সময় কিন্তু কার্যকরী হবে। আর পরের কাছে পয়সা থাকলেও যেমন হয়, যেদিন আমার প্রয়োজন হবে সেদিন হয়তো সে বাড়িতে, সেই জন্য একটা কথা আছে যে পুঁথিগত বিদ্যাটাকে আহরণ করতে হয়, অর্জন করতে হয়। আর যারা এই বিদ্যা অর্জন করে তারা নিশ্চিত রূপে আগে বাড়ে। আরেকটা কথা আমি বলছিলাম, মেয়েদেরকে যারা আমাদেরকে স্বাগত করছিল এবং ওরা স্কুলে কলেজে পড়ে, যে তোমাদেরকে যদি তোমাদের জায়গা থেকে এই জায়গায় আসতে হয়, মানে তোমাদেরকেও যদি আগামী দিনের জন্য ডিসি, ডিডিসি, বিডিও, সিও, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বিভিন্ন রকমের জিনিস যদি ভুলতে হয়,